फ्रेंड मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ये एक स्काईवर्थ की मदरबोर्ड। और आपको दिख रहा होगा ये मदरबोर्ड सिर्फ मदरबोर्ड है और किसी ने ये मदरबोर्ड को सॉफ्टवेयर के इशू से ये एकदम पूरी स्टैंड बाई मोड में चली गई है। ये हमने इस पैनल में लगा कर रखा है और कुछ ये फुल एचडी की ये पैनल में थी और ऐसी एलबीडीएस या ऐसा पैनल मेरे पास नहीं है तो इसलिए हमने पतली पतली वायर करके और ये हमारी एक पैनल पे इसको मैं लगा के रखा हूँ। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो इसको रन करने के लिए हमने यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई दे चुका हूँ और इसकी सेंसर भी नहीं है तो इसके लिए मैं एक अलग से सेंसर लगा चुका हूँ ताकि पता चले। और मैं जब इसमें लाइन दे रहा हूँ तो ये हमारी डायरेक्ट बैक लाइट इसकी जल गई ये पैनल में, लेकिन ये जो लाल लाइट जो है वो लाल लाइट से वो रिलीज नहीं हो रही है, यानी वो स्टैंड बाई में ही पड़ा हुआ है। ये ऑटोमेटिक सेट जो है वो हमारी ऑन हो जानी चाहिए। इसकी प्रॉब्लम है कि हमारी जितनी सप्लाइयाँ हैं वो सब मिल रहा है लेकिन हमारी एक जो सप्लाई है वो नहीं मिल रहा है, जिसको बोला जाता है VCC पैनल की जो सप्लाई है हमारी जो 12 वोल्ट आउट होने चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारी जो है सॉफ्टवेयर इशू है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि सर सॉफ्टवेयर फर्मवेयर डंप फाइल ये क्या है, पेन ड्राइव से होगा कि नहीं, एम बूट बूट लोडर ये बहुत तरह का फाइल आपका जेटेक फाइल बहुत तरह का नाना तरह का प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक क्लियर बात करना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट बोर्ड थोड़ी कठिन होता है, तरीका थोड़ा सा अलग होता है लेकिन मंजिल आपको वही है। ये 43 इंच की शायद ये टीवी है कि यहाँ पर 43E मॉडल नंबर दिखाई दे रहा है उस ट्यूनर पर और ये हमारी स्काईवर्थ में आती है। स्काईवर्थ आप नाम सुने होंगे और भी कोई अदर्स कंपनी में भी ये बोर्ड लगाया जाता है, मतलब ये समझ लो एक तरह का यूनिवर्सल बोर्ड है। और इसकी नंबर मैं एक बार दिखा देना चाह रहा हूँ कि इसकी नंबर, ये फिल्टर को थोड़ा सा सीधा करें, और इसकी नंबर है 5800-A8R30T-0P00। अब हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये कहाँ से प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा जहाँ तक अनुमान है कि ये सॉफ्टवेयर की इशू है। अब इस स्थिति में अगर आप सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं यानी पेन ड्राइव से तो ये नहीं लेगा। आपको सॉफ्टवेयर कब डालना है, कैसे डालना है, कैसे समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है, तो आपको ये ICC प्रॉब्लम है, रैम ICC प्रॉब्लम है, EMMC IC इसमें ख़राब होने के वजह से कितनी परसेंट ये ख़राब होती है, इसका हेल्थ चेकअप करने के लिए यानी इसमें कोई दूसरा डालने के लिए, ये स्मार्ट बोर्ड में कोई भी EMMC खोलकर आप दूसरा लगाओगे तो ये नहीं होगा। इसका कुछ मैनेजमेंट है, कुछ नियम है, कुछ मिलाना पड़ता है, भर्सन देखना पड़ता है, ये सब नाना तरह का बहुत सा आपको चेक करते हुए आगे बढ़ना होगा। दोस्तों बंधुरा बांग्लादेशे हमारे ट्रेनिंगटा होते चले स्मार्ट टीवी ट्रेनिंग एक बांग्लादेश रंगपुर विथ बोन्डिंग मशीन शहर ट्रेनिंग होबे। जदि आपनी सीट बुक कराते चाहिए ताले आपनी यही नम्बरे जोगाजोग करे मिस्टर मिलन राय के सीट बुक दीते पारें ऑनलाइन। और जदि आपनी चाहिए कि आमी ऑफलाइने सीट बुक कराबो ता आपनी एड्रेसटा देखते पाच्छेन समीम इलेक्ट्रॉनिक्स मिठू होटल गोल्ली रंगपुर सिटी, आपनी एखानेओ गिये ऑफलाइने सीट बुक दीते पारें। যদি আপনি না আসতে পারেন অনলাইনে যদি সিট বুক দিতে হয় তো 01858260501 কল করে আপনি সিট বুক করে গেলেন। 22 তারিখে সামনে মাসে ট্রেনিং হবে A to Z প্র্যাকটিক্যাল। আর মুম্বাই কে লিয়ে আপ ইস নম্বর পর কল কর সকতে হ্যায় 8828610128 পর। আর কলকাতা কা ভি ইহা পর এক নম্বর দিখাই দে রাহা হোগা, কলকাতা সেমিনার কে লিয়ে আপ 9874622670 পর अपना सीट बुक करा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग वोल्टेज को चेक करेंगे। तो हमारे पास
जितनी वोल्टेजें हैं आपको मालूम होना चाहिए। पहला ये 12 वोल्ट है जो हमारा यहाँ पर सॉकेट में हमने दिए हैं, हमने बोला था कि यहाँ पर सप्लाई दे दिया है, पहले इस सप्लाई को भी आप देख लो, 11.1 आप सही से दिखाइए, 12 वोल्ट ठीक है। और ये जो सेट है ये चालू होने से होने के बाद हमारी यहाँ पर VCC प्रदान होनी चाहिए, जो कि हमारी ये VCC नहीं है, यहाँ पर हमारी VCC जो है वो नहीं आ रही है। अब हम जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ऑल टोटल, जैसे कि यहाँ की सप्लाइया आप देख सकते हो 1.1, यहाँ की सप्लाइया 1.5.1, यहाँ की सप्लाइया 3.2, फिर जाकर आपको यहाँ की सप्लाइया 5.0, ऐसे करते करते हमारी जितनी सप्लाई है यहाँ पर 1.5 बोलो, 1.6 होता नहीं है, 1.5, और यहाँ पर हम सप्लाई देख ले 4.4, यहाँ के ऑल टोटल सप्लाई, यहाँ की सब जो सप्लाई है, यहाँ पर भी एक रेगुलेटर है, हम यहाँ पर भी वोल्टेज देख ले 1.1, यानी सब सप्लाई जो है वो हमारी ओके दिखाई दे रही है, लेकिन ये सेट जो है हमारा स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है। ये सेट जो है ये स्काईवर्थ, ये हमारी जितनी 5800 की जो सीरीज में आती है वो हमको लाइन देने से ही ये सेट हमारी जो है स्टैंड बाई से रिलीज हो जाती है। यहाँ पर सब सप्लाई ओके होने से भी ये सेट हमारा स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जेटेक करना पड़ेगा। जेटेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप में जाना पड़ेगा और एक प्रोग्रामर चाहिए। प्रोग्रामर भी हमको एक ख्याल आया दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसको मैं मिक्सिंग नहीं करता हूँ, एडिट नहीं करता हूँ, कट नहीं करता हूँ, लेकिन फॉरवर्ड करता हूँ, पोज करता हूँ, ताकि लंबा वीडियो ना बन सके। मैं चाहता हूँ कि आप लोग CRT वाले हैं जे या CRT का काम जानते हैं वो यही ट्रेनिंग, ये LED LCD की ट्रेनिंग 5 दिन की 4 दिन की वही ले। जो नए फ्रेशर हैं कृपया करके वो ट्रेनिंग ना ले, उनकी पैसा बेकार जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जो 20 साल से 5 साल से 10 साल से 30 साल से जो एक्सपीरियंस है, उसकी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग है, तो ये 5 दिन और 4 दिन की अपडेट ट्रेनिंग करने से आप फुल अपडेट हो जाएंगे। तो हम लोग सॉफ्टवेयर करेंगे यानी जेटेक करेंगे, फर्मवेयर करेंगे, तो ये एक हमारे पास एक प्रोग्रामर है जो इसको UFI बोलते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं और इसकी ये सब एडेप्टर है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये क्या खरीदे, प्रोग्रामर में हम लोग क्या खरीदे, तो कुछ इस तरह से इससे भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे अनुसार मेरे रिसर्च के बाद हम पता किए हैं कि ये प्रोग्रामर से हमारी यही प्रोग्रामर जो है वो बेटर होती है। अब इस प्रोग्रामर से ज़्यादा ये स्पीड में चलती है, क्योंकि हमने इस पे भी जेटेक यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन समझ रहे हैं कि एक जेटेक वायर से जेटेक करने का समय और एक IC को निकालकर ये सब एडेप्टर पर जेटेक करने का समय कितना लगता है, और फिर इसमें भी करके और इसकी एडेप्टर में, मैं इसका एडेप्टर भी दिखा रहा हूँ आपको, तो इसकी एडेप्टर ये है। तो मेरे हिसाब से इसका जो अगर स्पीड से और इसका स्पीड यानी रीड करने का, ये इससे ये 2-3 गुना इसकी स्पीड है H की। मैं खूब रिसर्च करने के बाद इस रिजल्ट पे पहुँचा हूँ, एक IC नहीं बहुत सारा IC को मैं खुद जेटेक किया हूँ इससे, और ऑफलाइन और ऑनलाइन, लेकिन हमारा इसका जो H का जो रिजल्ट मिला वो सबसे ज़्यादा हमको अच्छा लगा। इस बार आपको चूज करना है कि आपका रिजल्ट क्या है। जो इसको मोबाइल वाले यूज करते हैं वो कभी इसको तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारी होती है इसमें कोई हमारी आइडेंटिटी नहीं है, यानी कोई सिम नहीं है, और इसमें एक मोबाइल की तरह सिम लगी हुई रहती है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये हमारी जो है वर्सन का ऊपर
ये सब पाया जाता है। जैसे ये इंडियन वर्सन है, बांग्लादेश वर्सन, पाकिस्तान वर्सन और इंटरनेशनल वर्सन, लेकिन हमारी जो ये है इसके लिए कोई वर्सन बोलकर नहीं आता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत अच्छा है। तो आप लोग कृपया करके और हमारे लिए, हम सब के लिए, LCD LED के लिए H जो है वो बहुत अच्छा सुटेबल है। अब हम इसकी पीछे से जो हमारी JTAG वायर रहती है उसकी कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन करने के बाद हम लैपटॉप पे जाएंगे। तो हम तुरंत यहाँ पर इसकी कनेक्शन कर दें। कनेक्शन करने के बाद मैं दिखा दूंगा कि इस बोर्ड की कनेक्शन कहाँ कहाँ की जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शन कर चुका हूँ, और करने के बाद अब आपको हो सकता है मोबाइल पे दिखाई ना दो, क्योंकि ये पतली पतली जम्पर वायर है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी टीवी की स्क्रीन पर माइक्रोस्कोप के सहारे मैं दिखाऊँ कि इसकी R2M64 जो हमारी IC रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसकी उस जगह पर D0 की कनेक्शन हुई है। और हम थोड़ा इधर जब आ जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो R5P2, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा R5P2, वहाँ पर हम CMD की कनेक्शन दिए हैं, और जहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा CP2, यानी CP2 ये PF और दूसरी की है, लेकिन हमारी ऊपर वाली जो है वो R2M38 दिखाई दे रहा है, वो हमारी रेजिस्टेंस की है। वहाँ पर हम क्लॉक की सिग्नल दिए हैं, यानी ये जंपर वायर आपको दिखाई दे रहा होगा पतली पतली कुछ इस तरह से करके। और अब हम इसको क्रिस्टल को क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे, और ग्राउंड करके कोई एक प्रोग्रामर लेंगे। प्रोग्रामर आपके पास कुछ भी हो वो मेरे को लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपने विचार से मैं ये बोला कि हमारे लिए जो सूटेबल है वो RT809H बहुत अच्छी प्रोग्रामर है। ये नहीं कि मैं इसके कंपनी के साथ हमारा कोई लेना देना है, ये कोई नहीं है, ये चाइना की ही कंपनी है, और इसमें कोई वर्सन बोलकर नहीं है कि ये इंडियन वर्सन है, पाकिस्तान वर्सन है, या चाइना वर्सन है, या इंटरनेशनल वर्सन है। तो ये आप इससे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्पीड भी बहुत काफ़ी अच्छा है दूसरे प्रोग्रामर के मुकाबले। तो ये हमारा कनेक्शन रेडी है प्रोग्रामिंग करने के लिए, यानी सॉफ्टवेयर करने के लिए। लोकल भाषा में लोग सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर, ये डम, ये इस तरह का बहुत सारा नाम होता है। आप चाहें तो वो नाम कुछ भी अपने हिसाब से बोल सकते हैं, समझने का आपका फेर है। और बंधुरा बोले दीची अपने बांग्लादेशे की ट्रेनिंग हो रंगपुरे, अनेक लोग चिंता करे कि सर अपना ट्रेनिंग की हो शेखानो जाए। তো বাংলাদেশে যে ট্রেনিংটা হবে ওইটা আমাদের শেখানো যাবে, প্রথম তো শেখানো যাবে পাওয়ার সাপ্লাই, পাওয়ার সাপ্লাই যে ডবল SMPS আছে, তো ডবল SMPS এর মধ্যে কী মডুল লাগালে আর কীরকম লাগালে আমার পাওয়ার সাপ্লাইটা রেডি হয়ে যাবে। বাংলাদেশে একটা জিনিস দেখেছি, একটু প্রবলেম হলেই স্মার্ট বোর্ডগুলো ফেলে দেয়, কিন্তু স্মার্ট বোর্ডগুলো দেখি বোর্ডগুলো সামান্য সামান্য প্রবলেম থাকে, আর ওই সামান্য সামান্য প্রবলেমের জন্য অনেকগুলো বোর্ডগুলো ফেলা থাকে। তো দয়া করে আপনারা অত সুন্দর সুন্দর অত দামি বোর্ড ফেলবেন না, আপনি চেষ্টা করুন কি একটা ট্রেনিং আপডেট হয়ে যান। তো স্মার্ট বোর্ডে পাওয়ার সাপ্লাই কী করে ঠিক করা হবে, অনেকজন বাংলাদেশে দেখেছি কি KLY বলে মডুল আছে ওইটা লাগায়, আপনি খবরদার এটা লাগাবেন না, এটা খুব ডেঞ্জারাস জিনিস, আপনাকে ক্ষতি করবে, ভালো করবে না, এটাও মাথা রাখবেন। যেটা ভালো জিনিস সেটা লাগাবেন। তারপরে EMMC সফটওয়্যার কী করে দেওয়া যাবে, তারপরে প্যানেল কী করে বানানো যাবে, তারপরে বন্ডিং কী করে করা যাবে, এই সব ট্রেনিংটা আপনাকে ফুল প্র্যাকটিক্যালে বাংলাদেশে রংপুরে দেওয়া যাবে। আব হামলোগ আগে বড়ে, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पर वायर तो आपको कनेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ये दो और एक इधर है हमारी D0, यानी ये हमारी है क्लॉक, ये है हमारी कमांड, और एक इधर हमारी थोड़ी सी इधर हम अगर इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर है हमारा D0, यानी इसके बाद ग्राउंड। अब हम चले जाएंगे प्रोग्रामर में, और प्रोग्रामर में मैं अभी ये वीडियो स्किप नहीं करूँगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर प्रोग्रामर का वीडियो आप स्किप क्यों कर देते हैं, तो मैं इसको प्रोग्रामर को ऑन किया, ऑन करने के बाद इस यस किया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन मैं स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर LCD LED में किसी विषय कठिन अगर कोई विषय है
तो वो है सॉफ्टवेयर की विषय। सब लोग बोलते हैं पैनल पैनल पैनल, कोई बोलते हैं मदरबोर्ड, कोई बोलते हैं ड्राइवर, कोई बोलते हैं पावर सप्लाई, लेकिन मेरे को लगता है कि सबसे कठिन जो विषय है वो है हमारी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो लोकल भाषा है सब कुछ जानते हैं, मैं अगर सॉफ्टवेयर बोलूँ तो आप जान जाएंगे, असली में उसको क्या बोला जाता है वो ट्रेनिंग में हम बताएंगे। तो सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे बड़ा इशू है और सबसे कठिन काम है। अब हम चले जाएंगे स्मार्ट आइडेंटिटी। आपको याद रखना होगा स्मार्ट आइडेंटिटी में हमारी जो MMC है वो डिटेक्ट करता है कोई 3.3 VCCQ या कोई 1.8, वो आपका ऊपर है कि ये इसकी VCCQ 3.3 है, अधिकतर तो 1.8 VCCQ होता है, लेकिन इसकी VCC अभी ये बोर्ड की, क्योंकि ये Realtek की है प्रोसेसर और ये फुल Android TV है, आपको याद रखना होगा। यहाँ पर हम ओके किए। ओके करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, ये ऑलरेडी हमारी जो है वो बंद है, इसकी बैकअप हमको लेना कोई बेकार है, इसकी बैकअप हमारे लिए काम में नहीं आएगी। दूसरे मोबाइल के लिए अलग तरीका है, टीवी के लिए अलग तरीका है, तो वो हमारे ट्रेनिंग में भी हम बताएंगे कि क्या तरीका है। तो हम चले जाएंगे इसको राइट करने के लिए, आपके पास जहाँ पर फाइल रखा हो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो हम एक बार सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा फाइल है। तो हम ये जो हमारी बोर्ड है, कोई बोर्ड बूट से बूट वन से ये बूट स्टार्टअप होता है यानी सेट जो है वो चालू होता है, कोई बूट टू से होता है, कोई यूजर एरिया से होता है। तो ये हमारी यूजर एरिया से होती है, ये जो हमारी बोर्ड है ये Realtek की IC है। तो मैंने हर को अनचेक कर दिया, यानी बूट वन बूट टू RPM ये सब क्या फाइल क्या काम करता है वो हम ट्रेनिंग में बताएंगे, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे ट्रेनिंग नहीं अटेंड भी करना चाह रहे हैं या दूरी पर जा रहा है, मजबूरी है, तो आप कोई अच्छा ट्रेनर देखकर आप नज़दीकी में भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। अब हम चले जाएंगे ओके में। ओके में जाने के बाद हम चले जाएंगे राइट। तो हम लोग इस फाइल को लेंगे और सिर्फ यूजर एरिया को हम ले रहे हैं, और लेने के बाद अब मैं स्किप नहीं करूंगा दोस्तों वीडियो, ये आपको याद रखना होगा, मैंने बोला था ना स्किप नहीं करेंगे। अब आप इसको देखेंगे कि कितनी फास्ट और कितनी सेकेंड में ये हो रहा है, और ये बात आपको याद देना होगा कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग तो आपको फुल प्रैक्टिकल ही मिलेगा, उसके साथ साथ हमारी थ्योरी भी मिलेगा, लेकिन बहुत लोग जो है तो ये देखिए हमारा ये हमने यूजर 512 MB का मैंने फाइल जो है कितनी ऑनलाइन 512 MB का फाइल, सिर्फ 512 MB का फाइल जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 512, ठीक 512 MB का फाइल ये कितनी सेकेंड में ये पूरा कर रहा है, यानी ये हमारी JTAG किया हुआ फाइल और JTAG तरीका से जा रहा है। अगर हम इसको ऑफ रन करेंगे मैं यानी IC को खोलकर, तो वो इससे मैंने हर प्रोग्रामर से ये हमको लग रहा है 3 गुना फास्ट जाएगा, क्योंकि मैं उस पर बहुत सारी IC को करके JTAG और ऑफलाइन ऑनलाइन करने के बाद में ये इस रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि ये H की बहुत फास्ट है, क्योंकि H फास्ट है लेकिन कितना MBPS है ये देखने का इसमें सिस्टम नहीं है, लेकिन बाकी प्रोग्रामर जो है वो MBPS बता देती है कि 2 MBPS या 5 या 10 या 70 या 80 MBPS का स्पीड से ये डाउनलोड हो रहा है, यानी ये प्रोग्रामर रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, लेकिन इसमें हमारा जो है ये करने का कुछ इसमें नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं घड़ी के अनुसार देख कर बता रहा हूँ। ये कंप्लीट ओके हो गया है, और यहाँ अब हम इसको स्विच को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम इस प्रोग्रामर को निकाल देंगे। मैं स्किप नहीं कर रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं। क्रिस्टल को हम खोलेंगे, इसके बाद हम लोग इसको लाइन देंगे, देखेंगे कि ये क्या है। ये दोस्तों ये सेट हमारा यहां पर आप दिखाइए, ये ओके हो गई। तो दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं
বাংলাদেশে বলছি, ঠিকানা কৃপা দয়া করে, আপনার ঠিকানা হচ্ছে, এই ট্রেনিংয়ের ঠিকানা হচ্ছে শামীম ইলেকট্রনিক্স, মিঠু হোটেল গলি, রংপুর। আর মুম্বাই কে লিয়ে নম্বর পে আপ কল করেন, কলকাতা কে লিয়ে। ওকে দোস্ত, বাই, নেক্সট ভিডিও কে লিয়ে ধন্যবাদ।